काविंद्र चौहान के साथ। फिर सक्रिय हुआ टुकड़े टुकड़े गैंग। देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान। गुड इवनिंग एंड वेलकम व्यूअर्स। व्यूअर्स, दिस इज टाइम फॉर भारत एट नाइन। दर्शकों, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, JNU, ये यूनिवर्सिटी कांग्रेस हेडक्वार्टर से 10 किलोमीटर दूर है, बीजेपी हेडक्वार्टर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है, CPIM हेडक्वार्टर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और हमारे हेड ऑफिस न्यूज वर्ल्ड इंडिया के ऑफिस से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। दर्शकों, JNU एक सियासत का अड्डा है जहां पर साल दर साल एक नई सियासी कहानी की पटकथा लिखी जाती है। दर्शकों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 1019 एकड़ की भूमि पर बनी हुई है और यह भूमि देश की सबसे ज्यादा महंगी भूमि है जहां पर कोई शैक्षणिक संस्थान बना हुआ हो। दर्शकों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिस भूमि पर बनी हुई है उसकी कीमत है 10 करोड़ एकड़, प्रति एकड़ 10 करोड़ रुपीज। इसका मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिस जगह पर बनी हुई है उसकी कीमत है 10,000 करोड़ रुपए। JNU जिस जमीन पर बनी हुई है अगर उसकी कॉमर्शियल आज की कीमत निकालते हैं तो वो होती है 1,00,000 करोड़ रुपए। दर्शकों, JNU इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर प्रति छात्र 4,35,000 रुपए सालाना खर्च किए जाते हैं। दर्शकों, JNU इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर सरकार 352 करोड़ की सब्सिडी देती है। दर्शकों, JNU इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां की हॉस्टल फीस है 3,600 रुपए, 3,600 रुपीज, IIT बॉम्बे से कम, IIT खड़गपुर से कम, तमाम देश की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, सबसे कम खर्चा। लेकिन दुनिया में ये कौन से नंबर पर आती है? 600 से 800 के बीच इसकी रैंक रहती है, फ्रॉम 600 to 800। इस रैंक के बीच में यूनिवर्सिटी प्रस्थान करती है, निवास करती है। दर्शकों, इस यूनिवर्सिटी पर झोला भर के पैसा खर्च किया जाता है और ये जो झोला भर के जो पैसा आता है ये आता है मेरी जेब से, आपकी जेब से। और ये यूनिवर्सिटी हमारे देश को क्या देती है? ये यूनिवर्सिटी हमारे देश को देती है स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को खंडित करती है, अफजल गुरु के बचाव में नारे देती है, देश के टुकड़े करने की बातें करती है, देश के टुकड़े करने की नीयत रखती है, कश्मीर में कहती है कि हमारी सेना वहां पर रेप करती है, हमारी सेना कश्मीरियों को मारती है, यह कहती है JNU। हमारे देश की गवर्नमेंट 352 करोड़ की सब्सिडी देती है, 4,35,000 प्रति छात्र पर खर्च करती है, 1,00,000 करोड़ की जमीन पर इनको पढ़ने की जगह देती है। एंड व्हाट दे गिव टू माय कंट्री, वो कहते हैं कि अफजल गुरु कोई आतंकवादी नहीं कहता, वो कहते हैं कि भारत की आजादी तक जंग रहेगी इंशाल्लाह। वो स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को खंडित करते हैं, वो बीजेपी को गाली देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को गाली देते हैं खुलेआम। JNU, दिस इज व्हाट दे गिव। दर्शकों, JNU एक बार फिर चर्चा में है जैसे कि हमेशा चर्चा में रहता है। इस बार JNU कह रहा है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं, हमारी जेब से निकले पैसों से, टैक्स पेयर्स की कहाड़ी कमाई से, खर्चा किए हुए पैसों से, टैक्स के रूप में लिए गए पैसों से पढ़ने वाले छात्र कहते हैं कि अब वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे। केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, हर चीज गई भाड़ में, अब ये लोग बाबरी मस्जिद बनाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है एंड देयर इज एन एजेंडा। एंड व्हाट इज देयर एजेंडा? नाउ देयर एजेंडा इज टू मेक बाबरी मस्जिद। अब इनको बाबरी मस्जिद बनाने का कीड़ा है। सब पर आऊंगा लेकिन उससे पहले एक स्टिल दिखाता हूं आपको, एक फोटो दिखाता हूं आपको, उस फोटो के जरिए समझिए कि JNU आपको क्या दे रहा है। इस तस्वीर में देखिए, गूगल के CEO सुंदर पिचाई, IBM के CEO, ट्विटर के CEO, ये तीनों ही लोग IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, इन यूनिवर्सिटीज से पढ़े हुए हैं। और JNU से पास आउट कहां है तो चौथी तस्वीर देखिए, JNU से पास आउट कन्हैया कुमार, शहला राशिद, उमर खालिद,
ये सब आज एक नेतागिरी कर रहे हैं। हमारे पैसों से 35 टू 40 इयर्स तक जेएनयू में फ्री की पढ़ाई, फ्री का खाना, फ्री का पानी, फ्री का राशन, फ्री की अयाशी करने के बाद अब ये राजनीति कर रहे हैं। स्क्रीन पर वापस लीजिए। तो दर्शकों, ये सभी स्टूडेंट्स आपने देखे, कोई गूगल का सीईओ है, कोई आईबीएम का सीईओ है, कोई ट्विटर का सीईओ है, और जेएनयू के लोग आज सियासत के सीईओ हैं। ये दिया है जेएनयू ने आपको। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, गर्व से सीना चौड़ा करके इनके छात्र आज हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और जेएनयू। नाउ सम पीपल विल से कि वित्त मंत्री कहां की है, जो वित्त मंत्री थी कहां की हैं, फॉरेन मिनिस्टर कहां के हैं। उन लोगों ने साफ कहा है कि जब जेएनयू में वो लोग पढ़ते थे तब ये देश विरोधी ताकतें नहीं थी, अब ये लेफ्टिस्ट, ये लोग वहां पर राज करते हैं। जेएनयू वालों का एजेंडा क्या है, एक वीडियो के जरिए आपको दिखाता हूं। ये है उनका एजेंडा, इस तस्वीर से समझिए। कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि आपको कि जो बाबरी मस्जिद गिराया गया ये गलत गिराया गया, और इसीलिए इंसाफ होगा कि बाबरी फिर से बनाई जाए, इंसाफ होगा कि बाबरी फिर से बनाई जाए। Now I don't get the point. Do they go to study or they do to university to just, you know, do politics? ये पढ़ने जाते हैं कि पॉलिटिक्स करने जाते हैं? जेएनयू आखिर है क्या? जेएनयू यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है जहां पर पढ़ाई होती है, या फिर जेएनयू कुछ और ही है? जेएनयू में क्या कुछ हुआ है कल 6th of December, क्या कुछ जेएनयू में हुआ, इसके लिए एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को जरा गौर करिए। फिर सक्रिय हुआ टुकड़े टुकड़े गैंग। बाबरी मस्जिद की फिर से उठी मां। तो बाबरी मस्जिद गिराया गया, गलत गिराया गया, और इसीलिए एक बार फिर खड़ा हुआ जेएनयू पर बड़ा सवाल। छात्रों का प्रदर्शन, बाबरी मस्जिद की मांग। जेएनयू के छात्रों को चाहिए बाबरी मस्जिद। यूपी का चुनाव, बाबरी पर तनाव। बाबरी विध्वंस को सालों बीत चुके हैं, लेकिन देश में अभी भी कुछ लोग हैं जो बाबरी मस्जिद विध्वंस पर अपने सीने में गुस्से की आग छिपाए बैठे हैं, और किसी ना किसी मौके पर उसको दोबारा बनाने की मांग उठा देती हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विध्वंस के इतने साल बीत जाने के बाद भी एक बार फिर मस्जिद दोबारा बनाने की मांग उठ गई है। और ये मांग कहीं और से नहीं बल्कि उस कॉलेज से, उस यूनिवर्सिटी से उठी है जो कि अक्सर विवादों में रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू की। यहाँ बाबरी मस्जिद की मांग को लेकर एक बार फिर से टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय हो गया है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। यहाँ एक बार फिर से छात्रों ने बाबरी मस्जिद को बनाने की मांग उठाई है, और इस मांग के चलते छात्र संघ ने एक प्रोटेस्ट मार्च भी निकाला।
छात्रों की इस टोली में कई विवादित नारे भी लगाए गए। इन नारों से ये तो साफ होता है कि ये लोग विवादित ढांचे से तोड़े जाने से खासा नाराज हैं। तभी तो जेएनयू की ओर से कई बार ये मांग उठाई जा चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि जब इस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुकी है, तो ये लोग अब तक क्यों बौखलाए हुए हैं? बता दें कि ये घटना 6 दिसंबर की रात की है, जब ये देश विरोधी नारे लगाए गए। सभी जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढाया गया था और ठीक उसी तारीख को फिर से उसे बनाने की मांग उठने लगी है। वहीं जेएनयू के छात्रों के इस प्रदर्शन से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके मन में उस विवादित ढांचे को तोड़े जाने की कसक आज भी बरकरार है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जेएनयू कैंपस में भगवान राम के नाम पर अब सियासत भी तेज हो गई है। और हो भी क्यों ना, यहाँ हर बार चुनाव से पहले यही तो होता है, कहीं राम विरोधी नारे लगते हैं तो कहीं उनकी जय जयकार होती है। हर बार वोट पाने के लिए राजनेता आराध्यों को ही कतार में सबसे आगे खड़ा कर देते हैं ताकि सत्ता की कुर्सी पर आसीन हो सके। और इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है। जेएनयू में हो रहे प्रदर्शन की ये तस्वीरें साफ करती हैं कि इस बार भी शायद वोट अल्लाह और राम के नाम पर ही पड़ेंगे, ना कि विकास के नाम पर। मौका चाहे चुनाव का हो या किसी और का, जेएनयू में हुए इस प्रदर्शन से एक बात तो साफ है, आज भी यहाँ के छात्रों को मस्जिद तोड़े जाने का मलाल है। और इसलिए जेएनयू के कैंपस में आए दिन मस्जिद को दोबारा बनाने की मांग उठती रहती है। फिलहाल ये मांग चुनाव के मद्देनजर है या फिर मलाल के चलते, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो बाबरी को लेकर आखिर जेएनयू स्टूडेंट्स को क्यों मना, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल का जवाब दरअसल इतिहास में छिपा हुआ है, क्योंकि जेएनयू में पिछले 5-6 वर्षों में जो हुआ, वहां पर दरअसल अफजल गुरु के लिए नारे लगे, वहां पर स्वामी विवेकानंद की जो प्रतिमा थी उसको भी खंडित करने की कोशिशें की गई। इसके बाद भी जेएनयू स्टूडेंट जो जेएनयू के स्टूडेंट्स थे वो लगातार चर्चाओं और खबरों में बने। तो ऐसे में हमारे साथ फॉर अ क्विक डिस्कशन हमारे साथ प्रशांत कुमार, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम जेएनयू जुड़ गए हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। विधानसभा की जितनी भी सड़कें हैं। शुक्रिया। ठीक है प्रशांत कुमार जी, कल जो कुछ हुआ जेएनयू में, वहां पर बाबरी मस्जिद को फिर से बनाना है, तो ये चीज कुछ समझ से बाहर दिखी कि बाबरी मस्जिद को फिर से बनाना होगा? ये तो प्रशांत जी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये तो लेफ्टिस्ट भी नहीं है। स्टूडेंट्स करना क्या चाहते हैं, क्योंकि प्रशांत जी तो डेमोक्रेट भी नहीं, तो आखिर बात क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे प्रशांत जी से। क्योंकि प्रशांत जी, जो कुछ कल हुआ, एक यूनिवर्सिटी में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जहां पर यह दिखाया गया कि किस तरीके से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। तो प्रशांत जी, जब बाबरी मस्जिद के पूरे मैटर पर, राम मंदिर के पूरे मैटर पर, ये जो पूरा विवाद था, इसमें पूर्ण विराम लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुना दिया, तो इसके बाद जेएनयू के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करना चाहते हैं, और स्पेसिफिकली अगर कहूं तो लेफ्टिस्ट जो है वो करना क्या चाहते हैं जेएनयू में? इसके साथ ही एक और चीज, ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है और ये लेफ्टिस्ट भी नहीं है, स्टूडेंट्स करना क्या चाहते हैं, ये डेमोक्रेट भी नहीं है, तो क्या कह रहे हैं प्रशांत जी? तो शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से यहां पर ठहरना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है। प्रशांत जी को दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा था कि जेएनयू में बाबरी मस्जिद को लेकर क्या चीज थी, ऐसे में प्रशांत जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। तो प्रशांत जी, मैं जानने की कोशिश कर रहा था
कि बाबरी मस्जिद में जो कुछ हुआ, बाबरी मस्जिद में राम मंदिर और बाबरी को लेकर जो एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई उसकी क्या जरूरत थी, नंबर वन। दूसरी चीज, जेएनयू यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाई होती है तो बार बार ये चीजें निकल कर क्यों सामने आती है, नंबर टू। और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर इसको लेकर जो विवाद था उस पर पूर्ण विराम जब सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है तो जेएनयू के लेफ्टिस्ट स्टूडेंट्स इसको दोबारा उठाने की कोशिशें क्यों कर रहे हैं? ये ना तो डेमोक्रेट है, ना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना तो एक स्टूडेंट का एक धर्म है, और ना ही ये लेफ्ट आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं कैच करता होगा। तो यह है क्या? चलिए ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से एक बार फिर से रुकना पड़ेगा। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे जेएनयू यूनिवर्सिटी की, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। नेहरू इसलिए एक बार जिक्र किया क्योंकि शायद लोग कहते थे कि नेहरू के नाम है इसलिए इस यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं विवादों में घसीटा जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बार बार ये यूनिवर्सिटी चर्चा में क्यों आ जाती है, बार बार ये यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में क्यों आ जाती है? स्टूडेंट्स यहां पर पढ़ने जाते हैं या फिर राजनीति और सियासत को चमकाने? क्या बात थी, क्या जरूरत थी वो कि जहां स्टूडेंट्स को बाबरी मस्जिद को लेकर इतना हैरान परेशान होना पड़ा? क्यों बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाए जाने की बातचीत की गई जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को लॉक कर चुका है, फैसला सुना चुका है? तो जब संविधान फैसला सुना रहा है तो फिर समस्या क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है तो समस्या क्या है? तो लगातार हमने कोशिश की कि प्रशांत कुमार को जोड़ा जाए हमारे साथ, जेएनयू के पीएचडी स्कॉलर हैं, लेकिन कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम, या शायद सवालों से बचना चाहते हैं, सवालों से भागना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू जस्ट रन अवे फ्रॉम द डायरेक्ट क्वेश्चन। दर्शकों एक सवाल और है कि क्यों नहीं ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये डिमांड किया कि बाबरी मस्जिद को बनाया जाए, क्यों नहीं इन पर मुकदमा चलना चाहिए राष्ट्रद्रोह का? क्यों ये मेरे देश में एक बार फिर सौहार्द बिगाड़ने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं? क्यों ये एक बार फिर देश में चीजों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रशांत कुमार एक बार फिर कुछ कहना चाहते हैं, दोबारा हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। प्रशांत कुमार को जरा स्क्रीन पर लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो आज जो कार्यक्रम था उस पर बातचीत हुई, चर्चा हुई, बस ये समझाने की कोशिश थी कि जेएनयू उपाध्यक्ष साकेत पूर आखिर कहना क्या चाहते थे, 29 साल के बाद बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाने के पीछे वजह क्या थी। ये सवाल है, इसके साथ आपको छोड़कर जाता हूं, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड नाइट। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ।